और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर, जहां अतीक के दफ्तर से करीब 74 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है और 74,62,000 कैश मामले में ईडी की अब एंट्री होगी और ईडी की टीम ने लाखों की बरामदगी मामले की जांच वो करेगी, रुपयों के सोर्स की जानकारी इकट्ठा करेगी ईडी और गिरफ्तार आरोपियों का बयान भी दर्ज किया जाएगा। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, इस मामले में चूंकि जो अतीक का दफ्तर है जहां से कैश बरामद हुआ था, अब ईडी की भी एंट्री होने वाली है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दो कि 74 लाख रुपए कैश और उसके साथ ही हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। एस के हाजी अहमद और उनके सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। इसी बीच में 74 लाख रुपए की बड़ी रकम बरामद हुई है। तो पहले बताइए, ईडी पूरे बैंक में इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि 74 लाख रुपए की बड़ी रकम बरामद हुई है। ये रकम कहाँ से आई थी, कितने अतीक के ऑफिस में रखी थी, इन तमाम मामलों पे जो है ईडी पड़ताल करेगी। कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहले से ही चल रहा है, तो ऐसे में ईडी की जब एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद और उनके गुर्गों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसके बाद ये बड़ी रकम बरामद हुई है, इसे साफ होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उस पर सच्चा सबूत अब ईडी के हाथ लगते हुए नजर आ रहा है। देखना होगा कि ईडी पूरे मामले की पड़ताल करेगी, फिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री होने वाली है और ईडी भी इसमें कई एंगल से इस मामले की जांच करेगी कि ये कैश कहां से आया। इसके अलावा जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।